नमस्ते दोस्तों, दिव्या ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैं आज यूपी की मशहूर खाना बनाने जा रही हूँ, लिट्टी चोखा। और बहुत खाने में टेस्टी लगती है। इसमें बारीक बारीक प्याज काट लिए हम, धनिया पत्ता और मिर्चा और लहसुन को कूट लिए अच्छे से, अजवाइन और नमक मिक्स कर लिए। सिर्फ इसमें सातू और डाल सातू लगा दिया और सारा कुछ नहीं इसमें हम किए हैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिए मिर्चा के अचार से, और इसमें आटा में अजवाइन और नमक करके गूंथ लिए। इसको 10 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे, इसको अच्छे से फूल जाएगा तब हम इसको बनाएंगे। और सातू को तो आप देख ही रहे हैं। इसमें चोखे में हम एक बैंगन, एक आलू और एक टमाटर, लहसुन और धनिया पत्ता सिर्फ डाले थे, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। और नमक तो ज़रूर पड़ता ही है, आपको तो पता ही होगा हर चीज़ में नमक पड़ता है। और चलेंगे हम, इसमें फैन को रख दिए हैं, इसमें गर्म हो चुका है तो इसको हम हटाएंगे। इसको आप देखिए बहुत अच्छे से आग निकल रही है गैस की। और चलेंगे हम एक एक करके सारे को बाटी को रख देंगे, ठीक है। हम एक एक करके सारा को रख देंगे अच्छे तरह से, क्योंकि अच्छे से पक जाएगा। और साइड साइड में देखिए मेरी बेटी बनाई है छोटा सा, इसको भी हम साइड में रख देंगे, ठीक है। और ये अच्छे से पक जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको फिर दूसरी तरफ से सेकना होता है, तो दूसरी तरफ से भी सेकेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी लगती है। मार्केट से अच्छा है कि अपने घर पे बनाएं, और घर पे तो बहुत अच्छा लगता है बनाना। और क्योंकि घर की जो चीज़ होती है बहुत अच्छे से बनती है, कौन जानता है कि मार्केट में क्या बनता है। और देखिए दूसरी तरफ से हम सेक रहे हैं, हम अच्छे से इसको रख दिए, अच्छे से दोनों तरफ से सेकते हैं देखिए। और मीडियम आँच ही करके इसको सेकना है। और देखिए दोनों तरफ से हम इसको पलट रहे हैं, और अभी तो हम इसको अच्छे से दोनों तरफ से पलट पलट के सेक रहे हैं, फिर इसको हम ढकेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम इसको करते करते सारे को अच्छे से हम पकाएंगे। और ये मेरी बेटियों का है, तो ये मेरी बेटियों का तो खास है। अब ढक दिए इसको, अब फिर खोल दिए, अब इसको हम खोल के ही अच्छे से इसको सेकेंगे। और देखिएगा कितना अच्छा सा कलर आया है ना, और बहुत अच्छा लगा। और ये बनाने में बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और बहुत अच्छा, मेरे भी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं चली अब खाने के लिए, और चोखा थोड़ा सा लिए, सबदाना की खीर ली हूँ, दो भरी ली हूँ। इसमें सूद घी भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हमें तो ऐसे ही खा रहे, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।